हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एंड नॉलेज उर्दू हिंदी। मैं हूं मोहम्मद शहबाज। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के कैमरा स्पेक्स नेटवर्क पर पब्लिश की गई हैं। इस लेटेस्ट लीक्ड इन्फॉर्मेशन को तफसील से जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें, और हमारी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज की तरफ। न्यू अपकमिंग गैलेक्सी एस अल्ट्रा सीरीज में गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में यूज होने वाला 200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया जाएगा। इसी तरह ये भी मुमकिन है कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में भी यही कैमरा सेंसर इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह गैलेक्सी S27 अल्ट्रा में भी 1x1.2 इंच आइसोसेल GN2 के साथ 200 मेगापिक्सल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूचर में लॉन्च होने वाली गैलेक्सी एस अल्ट्रा सीरीज में हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में मजीद जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी का रोड मैप नेटवर्क पर लीक किया गया है। एक बहुत ही फेमस टेक इनसाइडर रेविकनेस ने ट्वीट किया है कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में वही सेम 200 मेगापिक्सल कैमरा यूज किया जाएगा जो कि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में यूज किया गया है। याद दिहानी के लिए, गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में सैमसंग का 200 मेगापिक्सल आइसोसेल HP2 सेंसर इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन्स की। दोनों फ्लैगशिप्स में आइसोसेल HP2 का इम्प्रूव्ड वर्जन यूज किया जाएगा। ये नया इम्प्रूव्ड सेंसर 7nm प्रोसेस की बेस पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें लाइट रिसीवर के बारे में अपग्रेड्स भी किए जाएंगे। फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा फ्लैगशिप को इससे भी बड़ा कैमरा अपग्रेड मिलेगा। टिप्स्टर का दावा है कि स्मार्टफोन में 1x1.12 इंच का सेंसर यूज किया जाएगा जो कि आइसोसेल HP2 सेंसर से ज्यादा बड़ा होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि सैमसंग नेक्स्ट गैलेक्सी लाइन के लिए सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर भी गौर कर रहा है। सैमसंग अपनी नेक्स्ट जनरेशन लाइन में दोबारा एक्सिनोस प्रोसेसर यूज कर सकता है, क्योंकि कंपनी कुछ गैलेक्सी S24 मॉडल्स में एक्सिनोस 2400 चिपसेट इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, जहां तक गैलेक्सी S24 लाइन की रिलीज डेट की बात है, सैमसंग हर दफा साल के पहले 3 महीनों में अपनी फ्लैगशिप लाइन लॉन्च करता है। मुमकिन है सैमसंग साल के शुरू में ही नेक्स्ट गैलेक्सी लाइनअप लॉन्च कर दे। दोस्तों, इसके साथ साथ गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में मजीद इम्प्रूव्ड कंपोनेंट यूज करने की वजह से स्मार्टफोन के प्राइस में मजीद इजाफा मुमकिन है। यह ख्याल किया जा रहा है कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की प्राइसेस तकरीबन $1400 हो सकती है। दोस्तों, आपका इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय कॉमेंट सेक्शन में लाजमी दें। दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल साइंस एंड नॉलेज उर्दू हिंदी अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखें अपना बहुत बहुत ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।